Good morning, my lovely, lovely friends, lovely, lovely viewers. If you have watched the last episode, the last video of my Leh Ladakh trip, then you will realize that where I am and why I am here. This is the village of Chang. ये एक छोटा सा village है called Chang, and हम लोग यहाँ पे पहुँचे कल रात को around 9 बजे, because मेरी bike कि जो पीछे का टायर था, मेरे बाइक का पीछे का टायर पंक्चर हो चुका था. एंड वो जो एक ऐसे जगह पे जाकर पंक्चर हुआ जहाँ पे ना हम लोग आगे जा सकते थे ना पीछे जा सकते थे. सो संकेत, सिद्धार्थ एंड मी, वी गॉट स्टक. दे वेर वेटिंग फॉर मी कि मुझे अकेले छोड़ के नहीं जाना था, बिकॉज इट वॉज टोटली वाइल्ड लाइफ लैंड और ठंडी इतनी थी वहाँ पे. वी वेर वेटिंग फॉर अराउंड 4-4.5 hours इन -5 degree टेम्परेचर, बिकॉज चारों तरफ बर्फ़ थी. एंड इफ़ आई जस्ट टर्न अराउंड, ये जो आपको पीछे का एरिया दिख रहा है, ये पीछे का एरिया, वहाँ पे कहीं पे मेरा बाइक स्टक है. दैट एरिया इज़ अराउंड 20 kilometers फ्रॉम हियर. ये हम लोग जो पीछे जो ये आप घर देख रहे हो, यहाँ पे हम लोग रह रहे, उनका नाम मैं आपको बता दूँगा. He came like a god, भगवान जैसे आए एंड हमको वहाँ से निकाला. मेरी बाइक अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है, क्योंकि ना वो आगे जा सकती है ना वो पीछे जा सकती है. एंड द थिंग इज़ कि वो अगर नहीं आते तो हमारी हालत इतनी बुरी होती, क्योंकि ठंड में हम लोग सब लोग कांप रहे थे एंड ना कुछ हमको गाड़ियाँ मिल रही थी ना कुछ फैसिलिटी मिल रहा था ताकि हम आगे जा पाए. सो अर्जुन भाई जो है वो इनके पास आए, इनके पास आके उन्होंने गाड़ी ली, इनकी गाड़ी ली. रात को 7 बजे उन्होंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की. अंधेरे में 20 किलोमीटर गए हमको लेने के लिए, हमारा सामान लिया. मैंने बाइक उधर ही रखी है. सो अभी कुछ देर में मैं मेरी बाइक लेने जाऊंगा एंड प्रोबेबली मैं और राइड कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ. मैं और संकेत, वी हैव प्लान टू शिफ्ट आवर बाइक टू ले, एंड ले पहुँच के विल टेक सम रेस्ट सो वी कैन हैव अ पीसफुल एंड ऑफ ट्रिप. क्योंकि इतना ज़्यादा एडवेंचर हो गया है आफ्टर दोज ऑफ रोड्स येस्टरडे, देन पंक्चर, देन वेटिंग इन द कोल्ड विंड, गेटिंग वेट इन द रेन्स, लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस ट्रिप. सो कीप इन माइंड, अगर आप लेह लद्दाख आ रहे हो या आपको ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है, सो Leh Ladakh is not easy. It's very tough. Facilities are limited. So that is what I want to say. So चलिए, दिन की शुरुआत तो हो गई आज की. And अभी जाएंगे नाश्ता वगैरह करके. We'll take a truck, load my bike. We'll take it here. शायद अगर यहाँ पर पंक्चर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो we'll go to Neuma and directly ship our bike to Leh. So that's it. So we are in this truck to take the bike and ये हमारा मदद कर रहे हैं. आपका नाम? दूचे. तो ये हमारी मदद कर रहे हैं टू रीच दैट प्लेस, टेक आवर बाइक. बट ये बहुत मुश्किल रहता है, पता नहीं कैसे डालेंगे बाइक, या फिर ये अगर पंक्चर ठीक कर दे तो मैं चला के आ जाऊँगा. दैट इज वॉट रीज. ओके, फर्स्ट टाइम इन द ट्रक? नॉट फर्स्ट टाइम,
기레이트만 So, यहाँ पे हमारी बाइक खराब हुई थी एंड ये जगह आप देख लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है एब्सोल्युटली कुछ नहीं है यहाँ पे जो हालत खराब हुई थी कल बिना धूप के ठंडी में चार घंटे हम लिटरली कांप रहे थे जस्ट चेक 360 डिग्री आपको कुछ नहीं दिखेगा एक गाड़ी नहीं है एक व्हीकल नहीं थी सिर्फ और ठंडी ज़बरदस्त -3 -4 या -5 डिग्री टेम्परेचर उसमें हम लोग खड़े थे सो ये लोग अभी बाइक आगे लेके जा रहे हैं पूरा ट्यूब फट गया ना हम चेक करते हैं हाँ हाँ चेक कर लीजिए आराम से आराम से एक दो तीन और तीन तो है ही बस तीन है तीन है सो इस ट्यूब में तीन पंक्चर्स है संकेत तीन पंक्चर्स ऑलरेडी और ऐसे रास्ते पे उसने दिया है सो देयर आर थ्री पंक्चर्स ऑलरेडी एंड देयर आर थ्री मोर पंक्चर्स दैट हैज हैपेंड यस्टरडेज सो Can't rely on rented bikes. When you are taking a rented bike, get the tires in good condition. Otherwise, don't take it. This kind of situation where there are punctures, just see how they are just repairing the tube. This kind of things will ruin your adventure or your trip. Maine experience kiya hai, that's why I'm telling you. Do not go in haste. Take any bike and go. Take a good bike. Brakes चल रहे हैं क्लच चल रहा है टायर्स बराबर हैं क्योंकि आप पैसे भी दे रहे हो और प्लस ये मगजमारी भी है सब प्रॉब्लम्स भी है सो जस्ट थिंक एंड डिसाइड निकल गए क्या अच्छा हाँ सो टायर्स आर ऑलमोस्ट फिक्स्ड आफ्टर थ्री पंक्चर्स मोर एंड ही इज जस्ट टेस्टिंग इट देयर एंड ही इज टेकिंग द बाइक आई एम नॉट टेकिंग द बाइक सो ऑल थैंक्स टू हिम इनका शुक्रिया कि इन्होंने पूरा का पूरा हमारे बाइक को पूरा रिपेयर किया ताकि उसको ट्रक में भी ना लोड करना पड़े सर जी आपका और एक बार नाम बोल दीजिए नाम बोलिए आपका दुर्जे सो ये रहते हैं छाग विलेज ना ये रहते हैं छाग विलेज अगर आप डायरेक्ट पैंगोंग से अगर सोमोरीरी जा रहे हैं या हानले जा रहे हैं चुशुल क्रॉस करने के बाद छाग विलेज आएगा अगर प्रॉब्लम में फंस रहे हैं तो इनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ट्रक है इनका सर्विस
तो आप इनका सर्विस ले सकते हैं अगर आप ऐसे किसी मुसीबत में फंसे हैं तो। अच्छा, आपका मोबाइल नंबर भी बता दीजिए अगर किसी को कांटेक्ट करना हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बीएसएनएल का चलता है, यहाँ पे एयरटेल वोडाफोन कुछ नहीं चलता, आपको बीएसएनएल का लेके आना पड़ेगा, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर 9469 777 152 152। जी ठीक है, तो आपने नंबर नोट कर लिया, जस्ट नोट इट डाउन, हेल्प लगेगी तो आप ज़रूर लीजिए, ही इज़ वेरी हेल्पफुल। लेट्स गो बैक टू द विलेज। चलो चलिए, लेट्स गो।